बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओरिजिनल टेम्पस्टोन। मैं आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत से रखे और आप सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें आपको ओरिजिनल जेमस्टोन के ड्रॉप पेयरिंग की कुछ कलेक्शन, कुछ डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे, और जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही हसीन है। इसमें आपको डायमंड में और क्रिस्टल, उसके अलावा एमराल्ड, जरकून और सफ़ायर, रूबी और डिफरेंट टाइप्स के इसमें आपको जेमस्टोन नज़र आएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही हसीन तमाम के तमाम ये ज्वेलरी कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एयरिंग्स हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन, जो कि आप वेडिंग डेज के लिए बनवा सकते हैं, या फिर आपने शादी में किसी को गिफ्ट करना है, उसके अलावा आप अपने लिए एनिवर्सरी के लिए बनवा सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे आइडियाज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत एयरिंग्स है। तो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी तमाम वीडियोज़ को इसी तरह से देखते रहें और पसंद करते रहें। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिए हमारी वीडियोस पर। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस भी आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। इसमें आपको फैशन और ड्रेसेस तो नहीं, इसके अलावा आपको ज्वेलरी की बहुत सारी कलेक्शन, बहुत सारे डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे। नेकलेस के हवाले से, एयरिंग और एयरिंग्स के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं, बहुत प्यारे डिज़ाइन आपको दिखाते रहते हैं। उसमें से आपको हैंडमेड भी बहुत सारे आइडिया देखने को मिलेंगे। जो ज्वेलरी होती है जो हाथ से बनी होती है, उसके भी कुछ आइडिया आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारी जो वीडियोस हैं उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जेमस्टोन नज़र आएंगे, जिसमें ब्लैक डायमंड बहुत ही खूबसूरत होता है, तो उसको ओरिजिनल हालत में भी हमने दिखाया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके।